नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 का क्वालिफायर 2 खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। और ये मुकाबला जो है बहुत अहम होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ आप मुकाबला जीतिए और 29 तारीख को गुजरात टाइटंस से खिताबी मुकाबला खेलिए और मुकाबला गवाइए और अपने घर को जाइए, यानी कि आपका आईपीएल 2022 का जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। आईपीएल 2022 में अब सिर्फ 3 टीमें ऐसी बची है जो खिताब जीत सकती है, लेकिन अचानक से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग कह रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस बार खिताब जीत सकती है, प्रबल दावेदार है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी या एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक्स फैक्टर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो ऐसा रिकॉर्ड अपने साथ लेकर जुड़ रहे हैं, ऐसा रिकॉर्ड लेकर अपने साथ चलते हैं जो आईपीएल 2022 या आईपीएल के पूरे इतिहास में किसी खिलाड़ी के पास वो रिकॉर्ड नहीं है। क्या है वो रिकॉर्ड? और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं भी हो तो भी आपकी टीम जीतती है, क्योंकि जिता चुके हैं ऑलरेडी ये, कम से कम एक नहीं दो नहीं तीन चार चार बार ये अपनी टीम को खिताब जिता चुके हैं। आराम से बैठिए और ये वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा वो खिलाड़ी कौन है और क्यों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अचानक से फेवरेट बन चुकी है। लोग कह रहे हैं कि अब तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का चैंपियन बनना तय है। तो देखिए, उस खिलाड़ी का नाम है कर्ण शर्मा। जी हाँ, कर्ण शर्मा दिग्गज गेंदबाजों, मतलब डोमेस्टिक में अच्छा खासा इनका रेज्यूमे है। आईपीएल में 2009 से ये खेल रहे हैं, 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी और ये आईपीएल 2009 से खेल रहे हैं। फिसड्डी गेंदबाज आप इन्हें कह सकते हो, आईपीएल में इनके आंकड़े ज़बरदस्त नहीं हैं, लेकिन एक जो इनके नाम पर एक फैक्टर है, एक जो इनका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ऐसा है कि जिस भी टीम में जाते हैं चैंपियन बनाकर ही दम लेते हैं। देखिए, साल 2016 सनराइजर्स हैदराबाद की टीम चैंपियन बनी थी, टीम में थे कर्ण शर्मा। साल 2017 मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी थी, टीम में थे कर्ण शर्मा। साल 2018 चैंपियन बनी थी सीएसके, टीम में थे कर्ण शर्मा। फिर उसके बाद साल 2021 चैंपियन बनी सीएसके, एक बार फिर चैंपियन बनी, और बनती कैसे नहीं, कर्ण शर्मा जो टीम में मौजूद थे। और अब की बार कर्ण शर्मा है आरसीबी के स्क्वाड में, आरसीबी ने अब तक उनको खिलाया नहीं है एक भी मुकाबला, लेकिन स्क्वाड में है और नाटकीय ही सही, लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कर्ण शर्मा का जादू कहीं ना कहीं अब तक भी चलता आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से नेगेटिव नेट रन रेट के बावजूद भी आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स में पहुंच गई, लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया पहले एलिमिनेटर में, इकलौते एलिमिनेटर में, और अब क्वालिफायर 2 खेलेगी। कर्ण शर्मा टीम में मौजूद है, स्क्वाड में मौजूद है, बेंच पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उनका मैजिक जो है वो चल रहा है। कर्ण शर्मा ने साल 2016, साल 2017, साल 2018, साल 2021 अलग अलग टीमों को चैंपियन बनाया है, भले ही प्लेइंग 11 में शामिल रहे हो या ना रहे हो। अगर हम कर्ण शर्मा के आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो उतना कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, लगभग 59 यानी 60 से एक विकेट कम वो अब तक आईपीएल में, आईपीएल के उनके जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सिर्फ 59 विकेट्स वो अब तक हासिल कर चुके हैं। फिसड्डी गेंदबाज आप उन्हें कह सकते हो, लेकिन लक जबरदस्त है, लक उनका ऐसा है कि जिस भी टीम में शामिल होते हैं उस टीम को चैंपियन बनाकर ही दम लेते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, क्या कर्ण शर्मा नामक एक्स फैक्टर आरसीबी को इस बार खिताबी मुकाबले तक पहुंचा पाएगा, खिताबी मुकाबला जिता पाएगा? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।